यहाँ लोग भुखमरी और बेरोजगारी का शिकार है। हमने 70 साल में एक चाय बेचने वाले को वजीर आजम बनाया, जॉब नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से खुदकशियां बढ़ रही हैं। करीबन पिछले 2 साल में 24% जो है खुदकशियों की तादाद में इजाफा हुआ है। तो जब तक आप नौकरी नहीं दे सकते, तब तक उन बेरोजगार नौजवानों को आप बेरोजगारी का भत्ता देंगे। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. दुनिया के सबसे ज्यादा रिसोर्सेस हमारे पास हैं, चाहे वो माइनिंग के मामले में हो, चाहे वो गोल्ड के मामले में हो, चाहे वो रिसोर्सेस के मामले में हो। हमारा भारत पूरी तरह से इस दुनिया के अंदर रॉ मटेरियल के अंदर चाहे वो सबसे अव्वल नंबर पर है। दूसरा, जो इंसान को, जो पॉपुलेशन को जो मुद्दा बना के पेश किया गया कि पॉपुलेशन इस दुनिया के लिए, देश के लिए एक समस्या है, हमने इस पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसके नतीजे में हम गरीब होते गए और वही चाइना अपनी पॉपुलेशन को सही इस्तेमाल किया और दुनिया का नंबर 1 प्रोटेक्शन करने वाला कंट्री बन गया। आज जिन लोगों के हाथों में हमने सत्ता संभाला है, जिन लोगों के हाथों में हमने सत्ता दिया है, वो देश को कंगाल कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त जो बेचने वाला कॉरपोरेट वर्ल्ड, अडानी अंबानी, जो इस वक्त हमारे मुल्क के सारे रिसोर्सेज पर कब्जा किए हुए हैं। हालत हमारी देश की आई है, ये महंगाई और रोटी रोजी का तो मामला कुछ और चल रहा है मुल्क में। हमने 70 साल में एक चाय बेचने वाले को वजीर आजम बनाया, हमने 70 साल में एक चाय बेचने वाले को वजीर आजम बनाया, यही जमहूरियत है। लेकिन ये 9 साल में बीए करने वाला, एमबीबीएस करने वाला, एमए करने वाला, एमकॉम करने वाला पकौड़ी बेचता है और वो चाय के होटल में आज नौकरी कर रहा है। ये 9 साल की तरक्की है, ये 70 साल की जो तरक्की थी वो अलग थी, 9 साल में तरक्की ये हुई है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनें, जो आज इस एहतजाज का इफ्तिताह यहाँ पर हुआ है, काबिले मुबारकबाद है। मैं आपके सामने, आपके दरमियान ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इसी बात पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में आज 15 अक्टूबर से एक आंदोलन चला रही है। इस वक्त मुल्क में जो बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला चल रहा है, उसको सामने रखते हुए ये 15 दिन का आंदोलन पूरे मुल्क में चलेगा। उसका आज यहाँ गुलबर्गा से इनॉग्रेशन हुआ है। हम कर्नाटक के अंदर इस आंदोलन के दौरान एक जन जागृति जाथा, अवामी बेदारी एक कारवान चला रहे हैं, जिसका भी आज जो है यहाँ इनॉग्रेशन हुआ है। ये कारवान गुलबर्गा से लेकर के कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से होते हुए मंगलूर पहुँचेगा। इस कारवान के दौरान हम एक तरफ हुकूमत को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएंगे कि जो 2 बड़े मसले हैं, यहाँ लोग भुखमरी और बेरोज़गारी का शिकार हैं, उनके इस मसले को हल करें और नौजवान जो है वो उनको काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से खुदकशियां बढ़ रही हैं। एक आंकड़े के हिसाब से करीबन पिछले 2 साल में 24% जो है खुदकशियों की तादाद में इजाफा हुआ है। तो ये बहुत ही सीरियस मसाइल हैं, जिसको लेकर के हमने ये ज़रूरी समझा कि इन अवामी मसाइल को लेकर हम अवाम के दरमियान जाएँ, अवाम के अंदर बेदारी लाएँ और हुकूमत को जो इसकी तरफ तवज्जो दिलाएँ। इस कैंपेन के दौरान, इस अवामी आंदोलन के दौरान हमारे कुछ डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से। हम हुकूमत से इस बात की अपील कर रहे हैं कि आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो जब तक आप नौकरी नहीं दे सकते, तब तक उन बेरोज़गार नौजवानों को आप बेरोज़गारी का भत्ता देंगे। इसी तरह मनरेगा के तहत जो आप काम देते हैं उसको बढ़ाएंगे,
200 तक करेंगे, 200 दिन का काम आप देंगे और उनका जो वेतन है उसको बढ़ा करके आप 500 करेंगे और इस मुल्क के अंदर जो ख्वातीन मजदूर हैं उनकी मजदूरी के भी मर्दों के बराबर आप देंगे। तो इस तरह के और भी बहुत सारे डिमांड्स हैं जिनको लेकर के हम कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से गुजरते हुए एक तो यहाँ की हुकूमत को तवज्जो दिलाएंगे और फिर यहाँ के अवाम को बेदारी करने का काम करेंगे। देश भर में बड़ा बवाल, रोजी रोटी का है सवाल, इसी नाम पर मिलकर इंडिया ने एक आंदोलन चला रहा है। वो आज से लेके 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं है, पूरा देश में ये चलाएंगे। हमारा पार्टी जगह जगह मौजूद है, वो 11 राज्यों में केरला से लेके वो ये दिल्ली तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक ये आंदोलन चलाएंगे। इसमें दो मुद्दे हमने उठाया, एक तो एक बेरोजगारी का, दूसरा ये महंगाई का। ये दोनों चीज़ क्यों हमने उठाया तो ये हर तरह का लोगों की परेशान है इसके ऊपर। ये तो अब देखिए होगा GST के वजह से वो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने जा रहा है और जो इंटरनेशनल लेवल पे वो कच्चा तेल का रेट कम होना की वजह से भी सरकार ने ये इसको फायदा नहीं दे रहा है आम जनता को। ये पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं कर रहा है और टैक्सेस लगाने लगा के वो तो रेट बढ़ते जा रहा है। दूसरी एक चीज़ है, हमारा बुनियादी चीज़ है, रोजी एक खाना का चीज़ है, वो सबके ऊपर उन्होंने GST लगाता है लेकिन वो पेट्रोल डीजल का डीजल को GST नहीं लगाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तेल के ऊपर नहीं, वो चावल के ऊपर और गेहूँ के ऊपर आपने वो GST लगाया, वो GST हटाना चाहिए। आज पेट्रोल डीजल को आपने GST के अंदर लाना चाहिए। तो जो लोग बेरोजगारी है उनको बेरोजगार भत्ता ये जाना चाहिए और जो भी आपका सरकार में वैकेंट है वो 30 लाख वैकेंसी पड़ा हुआ है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको आपको फिलअप करना चाहिए, जरूर अभी देना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ है, तो जो भी आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट है और कोई एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है और उसको आप टाइट करना चाहिए, उसको तो अमल करना चाहिए। सही सही तरीक़ा से वो अमल नहीं हो रहा है, वो अमल करना चाहिए। वो ये सब वो हमने वो गुजारिश करके वो डिमांड रखे हमने ये कर रहा हूँ। ये यहाँ आज गुलबर्गा से ये कैरावन निकल रहा है, वहाँ मंगलोर तक जाएंगे, 10 दिन के लिए वो चलाएंगे। वैसा ये बहुत सारी हमारा वो प्रदर्शन करेंगे, उसमें धरना होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, हम मेमोरेंडम देंगे और लोगों से मिलके उनसे पूछेंगे क्या वो सिलेंडर मिला नहीं, वो अनाज मिला नहीं मिला है, तो आपने वो लिख को हमको ये डिस्क्रिप करके देना है, हम लोग वो सरकार को भेजेंगे, हमने दिलवाना के लिए तो कोशिश करूँगी, तो ऐसा हम करना चाह रहा हूँ। और दूसरी एक चीज़ है, वो सरकार जिम्मेदारी करना ये करना तो जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी को सरकार का होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने सरकार में लेना चाहिए। हम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम से नहीं हो सकता है, हम जनता सब मिलके ये हम करेंगे तो ये हो सकता है। इसलिए हमारा गुजारिश है कि हम जनता सब हमारे साथ आना चाहिए, हम सब मिलके आवाज़ उठाएंगे। ये इस आवाज़ में आपका मीडिया का रोल बहुत बड़ा रोल है, आप लोग भी हम लोग के साथ आप कुछ करेंगे तो मदद करेंगे तो ये इसको ये कैंपेन को हम कामयाब भी कर सकता है। तो ये हमारा गुजारिश है। शुक्रिया। मेरा नाम सुब्रमण्य आरमुगम, नेशनल जनरल एसोसिएशन पार्टी।